डीएस क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 लेसन 11 सेफ वाटर सेफ लाइफ की। पानी बचाओ जीवन बचाओ, ऐसा क्यों बोला जाता है? जो भी बच्चे हमारे वीडियो को न्यू देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें कुछ लिखा है कि वाई इज़ देयर आ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर, क्यों पानी की कमी हर जगह हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? वाट शुड वी डू टू सेव वाटर, हमें पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कभी आपने सोचा है कि आप इतना सारा पानी बर्बाद करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, या पानी की कमी आ रही है? कभी ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते, हम तो इतना खर्च करते हैं कि कह ही नहीं सकते इस चीज़ को, राइट? मयंक लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, देयर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द ब्लेज। मयंक एक छोटे से गांव में रहता था, वहां पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी उस ब्लेज में। द ब्लेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। और उस गांव के जो वासी थे, मतलब गांववासी थे, उन लोगों ने सोचा कि एक निश्चय लिया, एक फैसला किया कि हम इस बार पानी की हर एक बूंद को बचाएंगे। किस इस रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में, दे रिसॉल्व टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। और जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है, वो अपने इस आइडिए को एग्जीक्यूट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। दिस न्यूज़ गेट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, और ये जो न्यूज़ है कहाँ छप जाती है, न्यूज़पेपर में छप जाती है। मयंक रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज कज़न प्रिया इन दिस रिगार्ड, ही गिव अ क्विक रिप्लाई। इसके अपोजिट में मयंक को एक लेटर आता है उसकी बहन से, कज़न बहन जो थी प्रिया, उससे। और वो इसके मतलब कि उस लेटर की रिप्लाई में बहुत जल्दी रिप्लाई करता है। ब्लेज एंड पोस्ट के वादेश्वर तेशली एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर, वो लेटर का रिप्लाई कर रहा है ना। डेट इधर मेंशन की है, डियर प्रिया को मेंशन कर रहा, आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, आई एम हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने ये लेटर, तुम्हारे लेटर को प्राप्त करके जो उसने भेजा था, एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था पहले से भी। एंड आई एम हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हो, समाचार पत्र पढ़ती हो, और तुम इस चीज़ से अवेयर रहती हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। आई वेरी मच अप्रिसिएट योर क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ तुम्हारी क्यूरियोसिटी, मतलब तुम्हारी उत्सुकता की, कि तुम बहुत ज़्यादा थर्स्टी रहती हो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, सूचनाओं को जानने में। कीप इट अप, ऐसा ही करते रहो। दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो इनटू अ अलर्ट सिटीज़न, और तुम्हें ये जो क्वालिटीज़ है तुम्हारे अंदर जितनी भी, तो उसको लेकर मतलब तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगी किसमें, एक सीनियर सिटीज़न बनने में, एक अलर्ट सिटीज़न बनने में, कि जो व्यक्ति हर चीज़ से जागरूक रहता है। यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई अटेंड द इन रेगुलर फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई ब्लेज, और तुम जानती होगी कि मैं बहुत ज़्यादा इन रेगुलर रहता हूँ फंक्शन अटेंड करने में वाटर के कंजर्वेशन से, मतलब यहाँ मतलब एक ऐसे संरक्षण वाले प्रोग्राम जो पानी के संरक्षण के लिए किए जाते हैं हमारे गांव में। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग, और जो वर्ड कंजर्वेशन है वो रियली मतलब उसका मीन जो है वो किसी चीज़ को सेव करना, सुरक्षित करना ही है। इट मे बी अ वाटर एनर्जी सॉइल सम स्पेशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ भी हो सकता है संरक्षण के क्षेत्र में, जैसे कि मैं बोलूँ पानी, शक्ति, या फिर सॉइल मतलब मिट्टी, या फिर मैं बोलूँ जो एनिमल्स की जाति है,
पेड़ पौधे की जाती है. इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इट मीन्स दैट वी शुड सेव रेन वाटर इन द रिवर. सो इसकी सच में मतलब कंजर्वेशन में ये है कि हम अगर पानी को सेव कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसको सेव कर रहे हैं, रेनी वाटर को सेव कर रहे हैं, बरसात के पानी को सेव कर रहे हैं. मतलब हमें सेव करना चाहिए ताकि जो वाटर है वो रिवर्स में काम आ सके. पॉन्ड वेल एंड इन द फील्ड ऑफ राइजेस द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ. हमें रिवर से वाटर सेव करना चाहिए, वॉल से, पॉन्ड से, मतलब कुएं से, तालाब से, यहाँ तक कि फील्ड ऑफ राइज द ग्राउंड ऑफ वाटर लेवल ऑफ अर्थ, जिससे कि धरती के पानी का लेवल स्तर बढ़ सके. इसके बाद द सेम टाइम वी शुड यूज़ वाटर विथ इकोनॉमी. और उसी वक्त हम क्या करते हैं, वी शुड यूज़ वाटर विथ इकोनॉमिक. हमें वही वाटर हमारी अर्थव्यवस्था में काम में लाना चाहिए. व्हेन द रेन वाटर पर कॉल्स डाउन इनटू द अर्थ इट नो लॉन्गर रिमाइन थर्स्टी. जो रेनी सीजन का पानी होता है, बरसातों का पानी होता है, वो नीचे रिसाता है किधर, पृथ्वी में, धरती में, ठीक है. और इसका नो लॉन्गर रिमाइंस थर्स्टी, और वह टाइम तक वह मतलब सूखता ऐसा है कि मतलब पूरा जो पृथ्वी है, धरती है, वो सूख लेती है उस चीज़ को. वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरिया. और हम इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया में रह रहे हैं, मतलब कि चुनौती वाले क्षेत्र में रह रहे हैं. रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्केंटी रेनफॉल. वृक्षों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है फॉरेस्ट का, जंगलों का, और जिसका रिजल्ट है कि बरसात की कमी आ रही है. स्केंटी रेनफॉल, वी सी स्कार्सिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली इफेक्टिंग द कल्टिवेट ऑफ क्रॉप्स. और देखिए जो मतलब कि विशी स्कार्सिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग, मतलब कि यहाँ पर पानी की धीरे धीरे कमी आती जा रही है हर जगह पे, हम जहाँ देख रहे हैं वहीं पर. एंड ये जो है सबको, सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, किसको अफेक्ट करता है, ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि फसलों को, जो उपजाऊ फसलें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है. जिससे हाउ कैन वी हैप्पी विद द थर्स्टी सॉइल, हम इतनी थर्स्टी सॉइल में, मतलब कि इतनी प्यास वाली मिट्टी में कैसे रह सकते हैं. इफ़ द फील्ड्स डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड द कंट्री फेसेस शॉर्टेज ऑफ फूड. सो वो बोलते हैं कि यदि इतना फील्ड जो है वहाँ पर मतलब कि प्लेंटी पानी होगा, प्लेंटी से मतलब यहाँ पर अगर अधिक मात्रा में पानी नहीं होगा, डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर फील्ड में, खेतों में पानी बहुत मात्रा में नहीं होगा, तो ये हमारे फूड ग्रेन को, मतलब कि खाना जो है, अनाज जो है, गेहूं जो है, उनको नुकसान करेगी, उनके उत्पादन में क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, प्रभाव डालेगी. और जो कंट्री है उसमें, मतलब जो कंट्री है वो किसका सामना करेगी, फूड की मतलब कि खाने की या फिर अनाज की कमी का, मतलब होगा ही ऑफिशियली फील्ड को जब नुकसान होगा पानी के कारण. अवर ब्रदर एंड सिस्टर हु लिव्ड इन ब्लेज स्टार्ट migrating to the cities and town in search of work. हमारे जो भाई बहन हैं वो cities, मतलब कि बाहर शहरों में, towns में, बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश में जा रहे हैं. The city failed to accommodate them and there arise many social and economic problems. और जो शहरवासी हैं उनसे झगड़े करते हैं, समायोजित हो रहे हैं उन पर. और जो मतलब कि जो सिटी है वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था से लेकर प्रॉब्लम है, समाज से लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. यू कैन रियलाइज दैट आवर्स इन द न्यू जनरेशन विच हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर. तो तुम महसूस कर सकती हो, हम जो एक मतलब एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी है जो भविष्य में एक बहुत
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं. इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिमाइंड अवेक एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो हमारे यहाँ ये कर्तव्य बनता है, हमें मतलब हमारा ये फ़र्ज है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोगों को जगाएं, अवेक करें, शेयर करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो उत्तरदायित्व है उनको पूरा करें और फाइंड आउट करें कोई सॉल्यूशन, कोई एक मतलब कि निचोड़ किस प्रॉब्लम का, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी को का कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले. द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेट ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. और जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट है हर चीज़ में, हर सोसाइटी को लेकर, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर समाज के हर पहलू को लेकर, और आगे आ रही है पानी को बचाने के लिए, छोटी 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 से छोटी बूंद को बचाने के लिए. वी रिसीव्ड वाटर थ्रो रेनफॉल, हमें बरसात के माध्यम से पानी प्राप्त हो रहा है. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, द मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज डाउन द रिवर एंड रीच द सी. और दुर्भाग्यपूर्ण ये जो पानी है वो फ्लोज डाउन होता है, रिवर में जाता है एंड सी में पहुंचता है. थस इस प्रकार इट रिमांस अनयूज्ड, और इसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है. वी आर अ विटनेस टू इम्पटाइड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. अब हम इस चीज़ के विटनेस है, साक्षी हैं कि मतलब इसने क्या किया है, एम्पटाइट कर दिया, खाली कर दिया नदी को, और इसके बाद पॉइंट्स को, ट्यूबवेल्स को. वी शुड नॉट सिट साइलेंट, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए. अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स. और हमें मतलब पानी के संरक्षण के लिए कई प्रकार के मतलब परियोजनाएं चलानी चाहिए. वी ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल, हमें कई प्रकार से मतलब पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, उसके लेवल को. द फार्म्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड बाय बिल्डिंग मेधा बांध अराउंडिंग देयर फील्ड. और जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए, पानी को स्टोर करना चाहिए, पानी को बचा कर रखना चाहिए. कैसे, बिल्डिंग से मतलब मेधा बांध, बांधों से बचा, आसपास बांध बनाकर पानी को बचाना चाहिए ताकि वो फील्ड में काम ले सके. वहाँ पर दे विल ऑल्सो डिग स्मॉल पॉइंट्स इन देयर फील्ड टू अक्यूमलेट रेनफॉल. और उनको छोटे छोटे तालाब बनाने चाहिए आसपास उनके फील्ड के, जिससे वो पानी को बचा सके, रेनफॉल को बचा सके. इसके बाद वो बोलती है आगे, कहाँ वो बोलता है मतलब यह देखिए, सिमिलर ओल्ड स्ट्रक्चर लाइक वेल, पॉन्ड विल बी डिपेंडेड एंड क्लीन. और लाइक मतलब जो पहले हुआ करते थे ना, जैसे कुएं होते थे पहले और जो तालाब होते थे, लाइक वैसे ही बस कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, साफ होने चाहिए. द स्टॉप डैम ऑन द रिव्यूलेटेड एंड द रिवर विल बी रिपेयर्ड एंड मेड फंक्शनल टू होल्ड बैक सफिशियंट वाटर. जो स्टॉप डैम ऑन द रिव्यूलेटेड मतलब जो छोटी नदियाँ होती ना उनको रिव्यूलेटेड बोल जाता है, तो उन पर बांध मतलब डैम बनाना बंद करिए. एंड द रिवर विल बी रिपेयर्ड मतलब कि जो नदियाँ हैं उनको क्या करिए, उनकी मरम्मत करवाइए. एंड फंक्शन टू होल्ड बैक सफिशियंट वाटर, और फंक्शनल मतलब कि और साफ पानी के लिए कार्यक्रम करवाइए, होल्ड बैक करवाइए. इसके बाद व्हाट अ वंडरफुल सीन इट विल बी फॉर यूज टू हैव द रिवर ऑफ द ब्लेज फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर. और कितना अच्छा होगा, कितना अद्भुत दृश्य होगा वो, जब हम मतलब कि नदियों में रिवर्स होंगी अच्छी खासी मतलब है ना, फुल ऑफ रिवर एंड वाटर थ्रू आउट द ईयर्स, और हम उसका यूज़ बहुत सालों तक कर सकते हैं. वी विल अगेन हैव द इंजॉयबल टाइम ऑफ स्विमिंग इन द रिवर ऑफ अवर ओन विच वी हैड अ फ्यू ईयर्स एगो. और हम फिर से मतलब कि वो टाइम आएगा जब हम स्विम करेंगे मतलब पानी में तैरेंगे, जिससे वही इंजॉयबल होगा जो हम पहले मस्ती किया करते थे वही होगी, और जिसमें विच वी हैव अ फ्यू ईयर्स which we had a few years ago, जो हम पहले किया करते थे वो अब हम करेंगे. You can easily understand that if the river and the ponds of a place are full of water,
ट्यूब वेल्स एंड विल ऑटोमेटिकली वी रीच्ड एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द एयर्स. सो अगर तुम समझ सकती हो, अगर जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, ऑटोमेटिकली विल रीच एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर. सो ये जो चीज़ें भरेंगी, जैसे पॉन्ड्स है तो वो हर जगह से हमें पानी देगी, रिचार्ज एंड विल कंटिन्यू. सो वे आई वुड लाइक टू मैंसन दैट गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरी थिंग. और मैं ये कहना चाहूँगा कि, और मैंसन भी करना चाहूँगा, मतलब बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक सरकार ही कुछ सब कुछ नहीं कर सकती. सिमिलरली ओनली साउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प. चिल्लाने से या कुछ भी करने से ही हमें मदद नहीं मिलेगी. वाटर इज एवरी बॉडीज इसेंटियल नीड. सो एवरी बॉडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द वाटर ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम. देखिए, मतलब कि हर एक बॉडी की ज़रूरत होती है, मतलब पर्टिकुलर हर एक बॉडी को, हर एक इंसान को पानी की ज़रूरत होती है, इसेंशियल ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा नीड होती है. सो हर बॉडी का ये कर्तव्य है, हर बॉडी की ये मतलब वो है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चे तक को इंक्लूड करके बोला जा रहा है कि सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए संरक्षण प्रोग्राम में, कि पानी का संरक्षण किया जाए. आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलेंटरी कमिंग अ फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड एंड शोल्डर टू शोल्डर फॉर दिस नोबल कोज. सो हमें इस महान कार्य के लिए, मतलब मैंने देखा है कि सभी लोग जो जागरूक है वो आगे आ रहे हैं इस काम के लिए, हैंड टू हैंड से, मतलब हाथ से, और हाथ से नहीं, और शोल्डर टू शोल्डर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर, मतलब कि हमें कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहिए इस महान कार्य के लिए. होप यू विल बी बेनिफिट्स विद वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर. मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इस लेटर से, इस पत्र से बहुत सारा फ़ायदा मिला होगा जो मैंने लिखा है. डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करिएगा. कीप राइटिंग सिमिलर लेटर ऑन अदर वर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो. और ऐसे ही टॉपिक्स पर और लिखने की कोशिश करिएगा. प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू एवरीबॉडी इन द फैमिली, योर कज़न मयंक. और सभी को मेरा कन्वे, मतलब मेरा प्रणाम दीजिएगा सभी घर वालों को. तुम्हारा कज़न, तुम्हारा भाई मयंक. ठीक है. सो द अर्थ विल प्रोटेक्ट अस ओनली इफ़ आवर सेल्फ प्रोटेक्ट द अर्थ. अगर हम पृथ्वी की या धरती को प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षा करेंगे, जब ही वो हमें प्रोटेक्ट करेगी. इस बात को हमें समझना चाहिए. रियल लाइफ में भी इस लेसन के थ्रू हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पानी की भी, मतलब पानी की हमें जितनी नीड है उतनी किसी को नहीं है. एवरी बॉडी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन तक हम लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है. तो हमें हर एक बूंद को सेफ रखना चाहिए. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें.